हाँ जी नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश नैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां हमने एक सीरीज स्टार्ट करके अपनी इक्विलिब्रियम की बिल्कुल डिटेल्ड हम टॉपिक वाइज एक एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपने पीछे वाले टॉपिक्स देख लिए होंगे। तो पीछे वाले टॉपिक्स के अंदर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं केसी के बारे में, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में एंड पार्शियल प्रेशर की टर्म केपी, उन दोनों का रिलेशन हम पीछे डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें उस केसी को, उस के को रिलेट करना है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, जो डेल्टा जी के साथ है, ठीक है। डेल्टा जी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स बड़े ही डिटेल तरीके से करवाया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके थर्मोडायनेमिक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए, उसके बाद इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर रिलेशन बिटवीन, टॉपिक का नाम लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोले तो डेल्टा जी, ठीक है। के बारे में बोलो, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ये मेरा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अच्छा रिएक्शन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा तो मानना ये है कि आप ना स्टार्टिंग से देखते आओ, अकेले इस टॉपिक से मजा नहीं आने वाला, क्योंकि सारी चीजें लगभग पीछे हो चुकी हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उनका स्टोशियोमेट्री, नीचे रिएक्टेंट, उनका स्टोशियोमेट्री, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये कहती है भी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंथैल्पी का चेंज, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को रिलेट करेंगे हम डेल्टा जी और के साथ, ठीक है। तो जब हमें डेल्टा जी और डेल्टा एच के अंदर रिलेशन निकालने से पहले पहले के का रिलेशन निकाल लें डेल्टा जी के साथ, फिर के का हम डेल्टा एच के साथ भी निकाल लें, ठीक। तो पहले हम रिलेशन करते हैं भाई डेल्टा जी का के साथ। अब आप ना एक इक्वेशन याद करिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। के इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एल एन के, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। या फिर पहले हम रिएक्शन क्वेश्चन की बात करें कि जब इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन पीछे यूज करके आए, ठीक है। अब अपनी रिएक्शन मान लो एट इक्विलिब्रियम पे आ गई है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होता है, ठीक है। और के इज इक्वल टू क्यू हो जाता है, तो डेल्टा जी तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन कि आर टी एल एन के को इस साइड लेके आओ, मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है जी। मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ गया के का और गिब्स फ्री एनर्जी का। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हम काफी बार इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं कि ये चीज क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एल एन को लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ की, ठीक है। लॉग की टर्म में करो या एल एन की टर्म में करो, नेचुरल लॉगरिथम की टर्म में करो, इस चीज से तो कोई जो है अफेक्ट पड़ता नहीं, इस चीज से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को। अब अपने पास डेल्टा जी नॉट निकल के आ गया है, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है, ये भी एस नॉट के टर्म में आ जाएगा, ओके। अब डेल्टा एच नॉट क्या होता है, डेल्टा एच नॉट होता है चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आप लोगों को याद होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, क्यू इक्वल टू एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, यही था अपने पास, ठीक है। जब हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया था तो इस पूरी इक्वेशन को क्यू पी और इसको मैंने एच बोल दिया था डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा ई था, चेंज इन एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास ये डेल्टा एच था, ये वही एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, या एल एन वाली को लेके चलता हूँ, मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो यहाँ पर
लिखना कम पड़ता है, मतलब माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस, ये बन जाएगा। ठीक, अब आर टी को उस साइड लेके चले तो इधर आ जाएगा एल एन के, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो आया मेरे पास टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच नोट की टर्म अपॉन आर टी। आर इज अगेंस्ट कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर अपने पास गिवन होगा। ठीक है, अब यहां पर दो केस बनते, एक तो एंडो का एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा केस बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि वो डेल्टा एच को या फिर जो चेंज आएगा वो उसकी तरफ पॉजिटिव आएगा किसी भी एनर्जी का, मतलब एनर्जी को अपनी तरफ लेगा, तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, यहां पॉजिटिव हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आया, इसमें से ये घटाएंगे तो एल एन के की वैल्यू स्मॉल वैल्यू आएगी, मतलब घट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एंडोथर्मिक के लिए स्मॉल एल एन की स्मॉल आएगा एंडोथर्मिक के लिए। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा भाई, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी सिस्टम से और कोई भी चीज सिस्टम से दूर जाती है वो नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन पढ़ा चुका थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, भाई ये सारा पोर्शन थर्मोडाइनमिक्स को ही रिलेट कर रहा है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो थर्मो आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैंने करवाई आप लोगों को थर्मो बढ़िया जबरदस्त। तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव डाला तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल चीज क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी एडअप हो जाएगा और एडअप हो गया मतलब वैल्यू बढ़ गई। तो क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा लार्ज एल एन के। ठीक है, तो के की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, लार्ज आएगी एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए स्मॉल आएगी। फिजिबिलिटी हम ऐसे बता सकते हैं भाई किसी भी रिएक्शन की, या फिर बोलो कि डेल्टा जी को हमने डेल्टा एच के साथ भी रिलेट किया है और हमने रिलेशन निकाल दी है डेल्टा जी का अपने पास के साथ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ फिर हमने इसका रिलेशन निकाल दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जय हिंद।